बड़वानी लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर केंद्रीय उद्योग सुरक्षा बल और पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसमें आम जनता निडर होकर मतदान करे। लोकसभा चुनाव 2019 की आचार संहिता लगने के बाद से ही पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली। शहर में गश्त और चेकिंग लगातार की जा रही है। चुनाव को देखते हुए बड़वानी थाना क्षेत्र में पुलिस और CIRF ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान कलेक्टर अमित तोमर, पुलिस अधीक्षक यांग चेन डोलकर भुटिया मौजूद थी। मार्च के दौरान लोगों को समझाइश दी जा रही थी, किसी भी असामाजिक तत्व की सूचना यदि आम नागरिक को मिलती है तो वे तुरंत नजदीकी थाना पर सूचित करें। बड़वानी से अतुल कुमरावत की रिपोर्ट। जैसा कि आप सभी को विदित है, लोकसभा चुनाव बिल्कुल निकट है और ये चुनाव निर्विघ्न, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, इसी के मद्देनजर जो है आज श्रीमान कलेक्टर महोदय, SP साहब एवं अन्य अधिकारीगण के नेतृत्व में यह फ्लैग मार्च नगर के विभिन्न मार्गों से निकाला गया था, जिसमें मुख्य रूप से CRPF का करीब 100 लोगों का पूरा पर्सनल अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। जिला पुलिस बल अशोकनगर के भी 150 अधिकारी कर्मचारी, जिला पुलिस बल जबलपुर से भी फोर्स आया हुआ है। इसके अलावा होमगार्ड, जिला जबलपुर होमगार्ड का बल भी इसमें शामिल था, SAF का फोर्स। इस तरह से कुल लगभग 630 लोग इसमें पूरे अधिकारी कर्मचारी पूरे शामिल थे। उनको लेकर ये फ्लैग मार्च जो है, इसको एरिया डोमिनेशन फ्लैग मार्च जो है किया गया है। कब तक रहेंगे लोग ये, जैसा आपकी जानकारी है, चुनाव के उद्देश्य से ये फोर्स यहाँ आया है, तो जब तक चुनाव पूरे नहीं हो जाते तब तक ये फोर्स जो है नहीं।